आज हम आपके लिए पुरानी डिजाइन को नई तरह से बनाना बता रहे हैं, जिसे आप हाफ स्वेटर, हाफ जैकेट की तरह जो सदरी बनाई जाती है उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। इसको किस प्रकार बनाना है ये मैं बताने जा रही हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। तो हमने कम से कम, अभी तो मैं नमूना बता रही हूँ, 20 फंदे डाले हुए हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, हम किनारे का जो सिलने वाला फंदा होता है वो हमेशा सीधा बना लेते हैं या उतार लेते हैं। तो इसमें हम जो पुरानी डिजाइन है तो हम आगे की तरफ फंदा करके इसको, देखिए जो खिंचता नहीं है उस फंदे से इस प्रकार बुनेंगे, दो फंदे का बना रहे हैं, फिर इसको खींच देंगे। तो ये एक हमारी गांठ की तरह डिजाइन बन जाएगी, जो खड़ी स्टिच बन के जाएगी। फिर हम दो फंदे लेंगे, फिर दो फंदे लेंगे, एक फंदा लेंगे और फिर उसको खींचे। तो ये हमारी जो एक खड़ी छड़ी की तरह बनेगी, वो चार फंदों की डिजाइन है जो दो दो फंदे करके बनेगी। फिर हमें जो हमारी ये केबल वाली डिजाइन है वो 6 फंदे की बनाना है। तो इसके लिए मतलब 4 फंदे लेने हैं हमको, जो खड़ी डिजाइन डाला है उसके साथ में, और जो केबल बनाने के लिए हम 6 फंदों का प्रयोग करके बनाएंगे। तो 6 फंदे हमारे पास हैं, तो 6 फंदे को हम पहले साधा बुनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। फिर हम वही 4 फंदों के डालेंगे छड़ी वाली डिजाइन, 1 2। इसको फिर खींच देंगे, फंदा फिर आगे करेंगे, इसको इस प्रकार खींच देंगे। फिर हमारे वो 6 फंदे हैं। हमें स्वेटर में फंदे डाले तो ये काउंट करके डालेंगे कि हमारी जो डिजाइन पूर्ण रूप से पर जाए। कोई भी फंदा, लास्ट फंदा हमारा जो हो वो छड़ी का, 4 फंदों का और एक फंदा सीधा, इस प्रकार हम फंदे काउंट करके डालेंगे। पीछे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है। और सबसे खास बात ये होती है कि इस तरह की डिजाइनें बनाने पर जो स्वेटर में होल या छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, जिससे सर्द हवाएं अंदर प्रवेश करती हैं, वो नहीं जाएंगी, पीछे से बिल्कुल घसा हुआ बनता है। पीछे से पूरा उल्टा बुन लेंगे। फिर देखिए आगे की तरफ आए हैं और आगे तो सेम प्रोसेस है, वही दो फंदे का डिजाइन पड़ेगा, पहले ये बना, दो का फिर दो, उसके बाद हमारे जो 6 फंदे आते हैं उनको सिंपली बनाना है। फिर वही हमारे 4 फंदे हैं, दो दो का जुट्टा बना के हमने दो खड़ी छड़ी डालनी है उसकी, क्योंकि जो हमारी केबल हम बना रहे हैं बीच में बड़ी सुंदर बनती है। पीछे से फिर हम उल्टा बुनेंगे पूरा।
का घूमते हुए हमारी 4 सिलाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, फिर ये किनारे वाला सादा बुन लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी वैसी की वैसी रहेंगी। फिर देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारी 6 फंदे की केबल बन रही है जो, तो हम 3 फंदे ऐसे उतार लेंगे, और जो हमारे ये 3 फंदे हैं पीछे वाले, इसको हम पीछे कर लेंगे। और पीछे वाले देखिए एक एक करके बड़े सावधानी पूर्वक, यूँ 1 2 3 करके इसको हम आगे भर लेंगे। कुछ नहीं करना, बस सावधानी से के फंदा गिरे ना, और इसके बाद एक एक करके बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बाद फिर हम 2 फंदे की केबल डालेंगे ऐसे, और फिर हमारी देखिए फिर वही डिजाइन आ गई। तो ऐसे हम 3 फंदे उतार लेंगे, और जो पीछे के 3 फंदे हैं उसको बड़े धीरे से आगे भर लेंगे। ये 1 और धीरे धीरे इसको सिलाई में पिरो लेंगे। फिर पीछे से पूरा उल्टा बुन लेंगे। हो सकता मैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने जा रही हूँ, तुम लोगों को लिए बहुत पसंद आएगी, उसका वेट करिएगा प्लीज़। देखिए हमारी डिजाइन है वो इस प्रकार बन के तैयार हो गई है। देखिए इसको लाइट कलर में बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी।